फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम अंधेरा लूज होता है, जो कीचड़ से उठता है और मन ही मन कहता है कि ये अनुभव एक लंबी नींद से जागने जैसा है। और हमें पता चलता है कि अंधेर मर चुका है और मरने के बाद उसकी आत्मा उम्ब्रल नाम के एक अलग ही डायमेंशन में आई हुई है, जिसे हम नर्क भी कह सकते हैं, जहां पर और भी आत्माएं होती है जिनको कई तरह की यातनाएं दी जा रही होती है। अंधेर उस जगह को आगे एक्सप्लोर करता है जहां हर तरफ सिर्फ अंधेरा और चीखें सुनाई दे रही होती है। इसी बीच हमें अंशों में अंधेर की जिंदगी दिखाई जाती है, जिसमें वो बचपन में अपने माता पिता और दादी के साथ खुश रहा करता था। फिर हमें उसकी परिवार दिखाई जाती है जिसमें उसकी पत्नी और तीन बच्चे होते हैं, जिनमें एक बड़ी बेटी और एक बेटा और एक सबसे छोटी बेटी भी होती है। और हमें पता चलता है कि अंधेर एक सक्सेसफुल डॉक्टर था, लेकिन वो बहुत घमंडी था। फिर एक दिन नाश्ता करते वक्त अंधेर अपनी कुर्सी से गिर पड़ता है और ऑपरेशन के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है। इधर अंधेर नर्क में भूख प्यास से बेहाल और डरा हुआ होता है, तभी उसे आकाश में एक तेज रोशनी दिखाई देती है जिसमें से एक आदमी निकलता है जिसका नाम क्लेरेंशियो होता है। क्लेरेंशियो के साथ दो लोग और होते हैं जिनके नाम लिसियस और टॉबियस होते हैं। क्लेरेंशियो के आदेश पर लिसियस और टॉबियस अंधेर को स्ट्रेचर पर ले जाते हैं और तभी सीन चेंज होता है और क्लेरेंशियो लिसियस और टॉबियस के साथ अंधेर को एक बहुत सुंदर हरी भरी जगह पर ले आते हैं जो कि स्वर्ग की तरह होती है। दरअसल ये एक अलग ही डायमेंशन है जिसका नाम नौसोलार होता है। इसके बाद क्लेरेंशियो आगे बढ़ता है और एक बड़ी दीवार को छूकर एक अद्भुत दरवाजा खुलता है जिसके अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं। तभी लिसियस क्लेरेंशियो से सवाल करता है कि क्या हम इसे चेंबर्स में ले जाएं, जिस पर क्लेरेंशियो कहता है कि नहीं, इसे तुम लोग रीजनरेशन मिनिस्ट्री में ले जाओ क्योंकि ये अच्छे से बर्ताव करेगा। इसलिए वो लोग अंधेर को लेकर वहीं चले जाते हैं और फिर सीन कट होकर रीजनरेशन मिनिस्टर की तरफ मुड़ जाती है, जो किसी हॉस्पिटल जैसा नजर आता है और वहां पर अंधेर और उसके जैसे कई लोग दिखाई जाते हैं। तभी अंधेर के पास लिसियस आता है और अपना परिचय देकर हालचाल पूछता है, जबकि अंधेर ये सब देखकर कंफ्यूज हो रहा होता है और वो लिसियस से इस जगह के बारे में सवाल करता है और एक्सप्रेस करता है कि उसने ऐसा हॉस्पिटल तो कहीं नहीं देखा। जिस पर लिसियस उसे बताता है कि ये पृथ्वी नहीं है, इसलिए यहाँ की चीजें वहाँ से अलग है और तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब सही वक्त पर मिल जाएंगे। जिसके बाद लिसियस अंधेर का किसी अलौकिक शक्ति से इलाज करता है जिससे अंधेर के सारे घाव भरने लगते हैं। जिसके बाद लिसियस अंधेर से कहता है कि अब तुम आराम से सब कुछ खा पी सकते हो। फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है जब अंधेर सूप पी रहा होता है और लिसियस उसका हालचाल लेने फिर से आता है और हमें उनके बातों से पता चलता है कि अंधेर अपनी बीमारी की वजह से 40 दिन तक हॉस्पिटल में रहा और फिर उसकी मौत हो गई और वो वहां से उस नर्क में पहुंच गया। और फिर एंड्रे लिसियस से क्लेरेंशियो के बारे में पूछता है कि वो कहां है, मुझे उससे कुछ सवाल करने हैं। इस पर लिसियस अंधेर को दवा देकर पानी पिला देता है और कहता है कि इसे जब तक मुंह में रख सकते हो तब तक रखो, लेकिन इसे निगलना नहीं, जितना देर रखोगे उतना ही अच्छा है। ऐसा लिसियस इसलिए कहता है ताकि अंधेर और सवाल ना करे और वहां से चुपचाप चला जाता है। और अब सुबह जब लिसियस अंधेर का हालचाल लेने फिर से आता है तो वहां क्लेरेंशियो भी अंधेर से मिलने आए हुए होते हैं। सबसे पहले अंधेर क्लेरेंशियो को उसे उस जगह यानी कि नर्क से बचाकर लाने के लिए धन्यवाद करता है। फिर उसके बाद वो सवाल करता है कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया तो फिर मुझे उस बदतर जगह में तकलीफ या क्यों सहनी पड़ी। जिस पर क्लेरेंशियो कहते हैं कि तुम अपनी बीमारी की वजह से नहीं मरे बल्कि तुमने आत्महत्या किया है। अगले क्लेरेंशियो बताते हैं कि तुम्हारी मौत तुम्हारे द्वारा किए गए सामाजिक व्यवहार जैसे जलन, घमंड, नफरत, गुस्सा, ये सभी क्रिया एक प्रतिक्रिया है जिसे हम अनकॉन्शियस सुसाइड कहते हैं और धरती पर हजारों लोग रोज इसी तरह से आत्महत्या करते हैं। जिसके बाद वो अंधेर को आराम करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि तुम्हें भी अब एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। अगले सीन में हमें होलोग्राफिक आकृति में मिनिस्टर वेनेरांडा दिखाई जाती है जो सबका स्वागत करती है। और फिर हमें लिसियस दिखाया जाता है जो कि अंधेर से कहता है कि क्लेरेंशियो ने उसे इस जगह पर घूमने की इजाजत दे दी है और वो अंधेर को लेकर बाहर आता है।
अब अंधेर कहता है कि वो अपने परिवार को देख सकता है क्योंकि उन्होंने उसकी बीमारी के दौरान बहुत कुछ सहा है, इसलिए वो उनसे एक बार मिलना चाहता है। और वो आगे सवाल करता है कि क्या उसके माता पिता भी यहाँ पर हैं, जिस पर लिशियस फिर से कहता है थोड़ा समय दो, तुम्हें धीरे धीरे अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और उसे हवा में तैरने वाली बस में लेकर जाने लगता है। रास्ते में लिशियस अंधेर को $900 के बारे में जानकारी देते हुए बताता है कि ये जगह 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी, और आगे बताता है कि यहाँ हर चीज का कुछ न कुछ मतलब है। जिसके बाद लुशियस अंधेर को मिनिस्ट्री ऑफ एलिवेशन दिखाता है और एक शॉकिंग जानकारी शेयर करता है कि ये लोग हमसे ऊपर के डायमेंशन की चीजों से डील करते हैं। आगे वो अंधेर को कम्युनिकेशंस और एनलाइटमेंट सेंटर के बारे में बताता है जहाँ से ये सब अपने परिवार को संदेश भेज सकते हैं। और आगे वो ये भी बताता है कि तुम हॉस्पिटल में नहीं बल्कि रीजनरेशन मिनिस्ट्री में थे, और उसके ठीक बगल में रीइंकार्नेशन पवेलियन है, और यहाँ पे ऐसे ही कई अनगिनत मिनिस्ट्रीज हैं जो कि अलग अलग कामों को करती है। अगले सीन में हम अंधेर को धरती की तरफ नजर गाड़े देखते हैं जहाँ वो अपने परिवार से मिलने के बारे में सोच रहा होता है। तभी टोबियस उसे कहता है कि तुम अब वहाँ यानी कि धरती पर अपने आप नहीं जा पाओगे, और वो बताता है कि उसने शुरुआत में कई बार कोशिश की है लेकिन वो हर बार भटक जाता है। और अंधेर फिर कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में जाकर मिनिस्टर एमुनेल से मिलता है और उससे सवाल करता है कि कैसे वो अपना संदेश अपने परिवार तक पहुंचा सकता है, जिस पर एमुनेल कहते हैं कि तुम यहाँ से किसी भी तरीके से अपने परिवार को संदेश पहुंचा सकते हो, लेकिन अंधेर समझ नहीं पाता कि वो क्या लिखे, जिस पर एमुनेल उसे असिस्टेंट मिनिस्ट्री में जाकर मिनिस्टर जेनेसिस से मिलने को कहते हैं ताकि उसे पता चले कि वो कहाँ से शुरुआत करे। अब अंधेर ऐसा ही करता है और देखता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है, इसलिए उसको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। काफी देर के बाद सिर्फ वो और एक औरत बचते हैं, जिस पर जेनेसिस दोनों को बुलाते हैं जहाँ उनकी बातों से पता चलता है कि $900 में आप कोई भी काम करने के लिए आजाद हो, चाहे वो सफाई करना हो या नई आत्माओं की देखभाल करना हो, आप कुछ भी अच्छा करके अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ सकते हो, और आप अच्छे काम करके इस योग्य बन सकते हो कि एक दिन अपने परिवार से धरती पर जाकर मिल पाओ। इस पर अंधेर कहता है कि वो धरती पर एक डॉक्टर था, तो क्या वो यहाँ भी डॉक्टर बन सकता है, जिस पर जेनेसिस उसे हाँ में जवाब देता है, लेकिन इस डायमेंशन में अंधेर को स्पिरिचुअल डॉक्टर बनना होगा जो कि कोई आसान काम नहीं है। और अगले सीन में हमें कुछ लोग और भी आत्माओं को स्ट्रेचर पर लाते हुए दिखाए जाते हैं जिनकी जाहिर है कि उन लोगों की मौत पृथ्वी पर हो चुकी है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उन आत्माओं में से एक लिशियस की भांजी है जिसका नाम एलोशा होता है, और वो लोग सबको रेक्टिफिकेशन चेम्बर ले जाते हैं जहाँ सबका इलाज किया जाता है। और एलोशा जिसकी हालत भी ठीक नहीं है, वो अपने अंकल से कहती कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं मरने के बाद आपसे यहाँ मिलूंगी। वो आगे रिक्वेस्ट करती कि मुझे मेरे मैनेजर के पास भेज दो, जिस पर लिशियस उसे समझाता है कि वो उसे यहाँ अपने घर लेकर जाएगा जहाँ उसकी नैनी लौरा और मैमी जूडीत उसका इंतजार कर रही है, और एलोशा को आराम करने का कहकर चला जाता है। यहाँ अंधेर से एलोशा की तकलीफ देखी नहीं जाती, इसलिए वो एलोशा की मदद करने की कोशिश करता है। जाहिर है कि धरती के तौर तरीके यहाँ नहीं चलते, इसलिए उसकी तकलीफ और बढ़ जाती है। और तभी वहाँ एक नर्स आती है जिसका नाम नारकिसा होता है, वो आकर अंधेर को डांट लगाती है और अपने स्पिरिचुअल मैजिक से एलोशा को ठीक करती है, और अंधेर से कहती कि अभी उसे बहुत कुछ सीखना है और इसमें समय लगेगा। अगले सीन में हमें एलोशा दिखाई जाती है जो कि अपनी माँ को देख रही होती है क्योंकि उसने अपनी बेटी के लिए दिल से प्रार्थना की, और फिर वो कहती कि क्या मैं मेरे मंगेतर की प्रार्थना देख सकती हूँ, जिस पर नर्स नाकिसा उसे बताती कि यहाँ वही प्रार्थनाएं पहुँचती है जो दिल से की जाती है, और वैसे भी अब तुम्हारे सारे रिश्ते धरती से खत्म हो गए हैं, इसलिए इतना ना सोचो। जिसके बाद हम अंधेर को देखते हैं जो कि बैठकर पियानो सुन रहा होता है और अपनी बड़ी बेटी को याद कर रहा होता है जो कि बिल्कुल ऐसे ही पियानो बजाया करती थी। वहीं कुछ दूर पर अंधेर की माँ लुइसा भी होती है और वो $900 के ऊपर के डायमेंशन में रहती है, और यहाँ वो अंधेर से मिलने आई हुई होती है। अंधेर अकेले बैठकर पृथ्वी की तरफ देख रहा होता है, और तभी एमुनेल उसको अपने सवालों के जवाब के लिए गवर्नर से मिलने की सलाह देते हैं, जो अंधेर तुरंत ऐसा ही करता है और वो गवर्नर से अपने परिवार से मिलने की इजाजत मांगता है, और गवर्नर उसे लुइसा से मिलवा देते हैं, और अंधेर सब कुछ भूलकर अपनी माँ के गले लग जाता है। उसके बाद अंधेर लुइसा से सवाल करते हैं कि
कि डैड मुझसे मिलना क्यों नहीं आए, जिस पर लूसा कहती है कि वो नेवरलैंड में है। अब अंधेर के सवाल करने पर कि वो वहाँ क्यों है, ऐसा क्या किया उन्होंने, जिस पर लूसा कहती है कि मुझे कर्मों का हिसाब रखने का अधिकार नहीं है। वो आगे कहती कि तुम अपनी मर्जी से जो भी अच्छा काम करना चाहो वो तुम कर सकते हो, और उसके बाद शायद तुम्हें अपने परिवार से मिलने का मौका मिल जाए। और जाते जाते ये भी कह जाती है कि तुम्हें जब मुझसे मिलना हो तो मुझे दिल से याद करना, मैं पहुंच जाऊंगी। इसके बाद अंधे रेक्टिफिकेशन चेंबर में जाकर मन लगाकर काम करता है, और एक दिन वो स्पिरिचुअल मैजिक के द्वारा एक मरीज को ठीक कर देता है, जो देखकर नर्स नार्किसा बहुत खुश होती है और अंधेर को रेक्टिफिकेशन चेंबर का सदस्य बना देती है, जिसका मतलब ये कि अंधेर अब से एक स्पिरिचुअल डॉक्टर बन चुका है। जिसके बाद अंधेर कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री जाकर देखता है कि उसके मरने पर सिर्फ दो लोगों ने दिल से प्रार्थना की थी, एक उसकी माँ जिसकी आत्मा जब अंधेर का ऑपरेशन हो रहा था तब वो वहाँ मौजूद थी, और दूसरी प्रार्थना उसकी नौकरानी करती है। ये देखकर कि मेरे मरने पर मेरे बीवी और बच्चों में से किसी ने भी मेरे लिए दिल से प्रार्थना नहीं की, अंधेर अब बहुत दुखी हो जाता है। फिर हमें एलोइजा दिखाई जाती है जो कि अपने मंगेतर के पास जाने के लिए वहां से भागती है, लेकिन अंधेर उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। दरअसल एलोइजा धरती पर वापस लौटने का सोच रही होती है, पर नौसोलार से बाहर निकलने पर अंधेर उसको रोकता है और समझाने की कोशिश करता है कि तुम रास्ता भटक जाओगी, लेकिन वो अंधेर की बात ना मानकर आगे बढ़ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलोइजा के ऐसा करने से सब काफी दुखी थे। तभी गवर्नर सबको बताते हैं कि धरती पर विश्व युद्ध छिड़ गया है, जिससे कई मौतें होंगी और कई आत्माएं आएंगी, और ऐसा होता भी है। सब लोग अब उन नई आत्माओं का स्वागत करते हैं, जिसके बाद हमें फिर से एलोइजा दिखाई जाती है जो कि बहुत बुरी हालत में होती है, क्योंकि वो नौसोलार से निकलकर गलती से उमरल डायमेंशन में पहुंच गई थी, जहां शुरुआत में अंधेर फंसा था। रेक्टिफिकेशन चेंबर में अंधेर एलोइजा की इलाज कर रहा होता है और उसको वैसा ही समझा रहा होता है जैसे लीशियस अंधेर को पहले समझाता था, मतलब अंधेर अब इस काम में माहिर हो गया है। इसके बाद हमें लीशियस की माँ लौरा दिखाई जाती है, जो कि रीइंकार्नेशन पवेलियन में जा रही होती है, जिसका मतलब ये कि उसका यहाँ का समय अब पूरा हो गया है और अब वो धरती पर किसी नए शरीर में पुनर्जन्म लेगी। लीशियस और बाकी सभी उसे नम आंखों से विदाई देते हैं। उसके बाद हमें अंधेर दिखाया जाता है जिसे अब अपने परिवार से मिलने की इजाजत मिल गई है, और वो अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी बीवी डॉक्टर से कुछ बात कर रही होती है। अब क्योंकि अंधेर जिंदा नहीं है इसलिए उसे कोई देख नहीं पाता। अंदर जाने पर हमें पता चलता है कि अंधेर की बीवी दूसरी शादी कर चुकी है, जिस पर अंधेर को गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण वो फिर से उम्ब्रेल में पहुंच जाता है। फिर कुछ देर सोचने के बाद फिर से वो अपने घर आ जाता है, जहां उसके तीनों बच्चे और बीवी उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भले ही उन्होंने दिल से प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन आज भी वो उसे याद करके उसकी बातें करते हैं। ये देखकर अंधेर सबको माफ कर देता है और अपने बीवी के नए पति को स्पिरिचुअल मैजिक के द्वारा ठीक करके वहां से चला जाता है। लेकिन जाते वक्त उसकी नौकरानी उसको देख पाती है, क्योंकि उसने सच्चे दिल से उसके लिए प्रार्थना की थी। इसके बाद वो नौसोलार पहुंचता है, जहां पर सारे मिनिस्टर्स, गवर्नर और टोबियस सभी उसका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद होते हैं, और फिर सब अंधेर को लेकर हंसते हुए अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब ये मूवी दरअसल ये दर्शाने की कोशिश करती है कि कैसे अंधेर एक नर्क या इन शॉर्ट पर्गेटोरी में फंस जाता है, जहां से रेस्क्यू किए जाने पर वो एक स्पिरिचुअल अनुभव से गुजरता है, जहां वो खुद की पहचान कर पाता है। उसे समझ आने लगता है कि वो एक बेहतर जिंदगी जी सकता था जब तक वो धरती पर जिंदा था। वहीं स्वर्ग में होने के बावजूद शुरुआत में उसे अपने धरती पर जीवित परिवार की चिंता होने लगती है, पर जैसे जैसे वो दूसरे जरूरतमंद लोगों की देखभाल करता है, उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि हर एक इंसान को फिर से जन्म लेने का मौका मिलता है, यानी कि वो भी अपने पुनर्जन्म में एक अच्छा इंसान बन सकता है। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।